मैं युमाना सिंह और आप लोग के अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को अभी आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और तथा साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियो मैं आपको दे सकूं और हमारे चैनल को आप देख सकें दोस्तों, वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके पहले भी मैं कुछ वीडियो डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो मैं शुरू करता हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर। तो आज मैं आपको प्रश्नावली 3.3 जो कक्षा 12 की मैथ है उसको मैं बताने जा रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आइए देखते हैं कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह याद कीजिए। फाइंड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ फॉलोइंग, तो मतलब कि इसका परिवर्त निकालना, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए करना क्या बच्चों कि जो आपका, अब यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाते हैं, ठीक है भाई। तो आइए इसको बदल कर हम के आव्यूह बना लेते हैं, देखिए कैसे बनता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, 1/2 है, नीचे -1 है। तो अब ये क्या है आपका स्तंभ है, तो इसको आप क्या बना दीजिए, पंक्ति बना दीजिए। तो अब ये 5 1/2 -1 का परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा, 5 1/2 -1 ये हो गया। उसी तरह से 1 -1 2 3 है, तो 1 आपका वहाँ लिखेंगे, फिर वहाँ जो -1 है वो आपका इधर नीचे आ जाएगा -1, ये आपका जो 2 है वो उधर चला जाएगा पंक्ति में। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 -1 3। अब अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से ये भी आप चेंज कर लीजिए, यहाँ -1 5 6 है, तो -1 पहले लिखेंगे, फिर 5 को उठा करके -1 के नीचे लिखेंगे, 6 को उसके नीचे लिखेंगे, फिर उसके बाद ये बीच में 5 हो तो उसको रहने देंगे। अब उसके बाद आगे देखिए 6 है, तो 6 को 5 के नीचे लिखेंगे। अब फिर यहाँ जो इसका 3 है वो आपके उसके जगह चला जाएगा 5 के यहाँ, और -1 जो वहीं पर पड़ा जाएगा, तो इस तरह से इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। अब आइए प्रश्न 2 है कि यदि ए बराबर डैस एंड बी बराबर डैस दिया है तो सत्यापित कीजिए ए प्लस बी डैस। तो ये डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब वही परिवर्त आव्यूह होता है। तो इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, मतलब ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज जो है इक्वल होगा। और आइए देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ ए इक्वल टू दिया है बी, अब ए डैश निकाल लो पहले, तो उसको ट्रांसपोज करके बना लेते हैं हम। तो अब -1 है, फिर वहाँ से आपका देखिए 2 आगे, फिर यहाँ पर 3 नीचे हो गया। तो इस तरह से इसका -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 ट्रांसपोज बन गया। अब इसी तरह से बी का भी ट्रांसपोज मैंने निकाल लिया, बी डैश -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इसके बाद ए प्लस बी निकाल लेते हैं। अब ए प्लस बी के लिए जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जोड़ने के लिए जोड़ लीजिए, यहाँ -1 है और उसमें -4 है, तो -4 -1 कितना होगा -5। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। फिर अगला है एलिमेंट हमारा 3, और वहाँ -5 है, 5 में से 3 गया, -2 बचा। तो इस तरह हर एलिमेंट को अपना जोड़ घटा करके ये आप ए प्लस बी निकाल लिए, और ये -b के लिए हम घटा देंगे उसी को। तो घटाने के लिए -1 -4, तो -- क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 -1 + 4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 बच गया। उसी तरह से यहाँ से अगला बच जाएगा आपका 2 -1, तो करेंगे आपका यहाँ -1 हो जाएगा। अब उसके बाद है आपका 3 -5 -+5 3 8 हो जाएगा। इस तरह से सभी को हल कर लेंगे हम, और आगे चलिए देखते हैं। अब हम निकालते हैं इसका फर्स्ट टाइप है ए प्लस बी डैश, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो इसके देखिए -5 उतार लिए, फिर वहाँ पर 6 से नीचे आ जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा। इस तरह से ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया। अब ए डैश बी डैश का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो दोनों को पहले ए डैश वाला और बी डैश दोनों अलग अलग जोड़ लेंगे तो ये निकल जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों जो है ए प्लस बी डैश और ए डैश बी डैश दोनों सेम वैल्यू आ रही है, देखो ये इस तरह से ये सत्यापित हो गया आपका। तो समीकरण 1 और 2 से ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश हो चुका है। अब इसी तरह से ए माइनस बी का भी निकाल लेंगे और ए डैश माइनस बी डैश भी निकाल लेंगे, तो दो देखेंगे कि दोनों आपका बराबर हो गया। तो इस तरह से ये भी सत्यापित हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 3 पर नज़र डालते हैं। इफ़ ए डैश इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 दिया है, बी इक्वल टू दिया है -1 2 1 1 2 3 है, तो सत्यापित कीजिए, देन प्रूव दैट। तो वही प्रूव करना, ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, मतलब ए प्लस बी ट्रांसपोज ए प्लस बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए प्लस ट्रांसपोज पी, ऐसे पढ़ेंगे हम। तो आइए इसी तरह निकालते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा ए डैश का डैश निकालेंगे, मतलब अगर ए आपका डैश है ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर करेंगे तो आपका ए निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप चेंज कर लीजिए, देखिए यहाँ 3 है, वहाँ 4 है, तो 4 आ जाएगा 3 के नीचे। अब उसके बाद यहाँ -1 है, तो आगे बढ़ा जाएगा -1,
जो जीरो है उसके पंक्ति में आगे बढ़ा जाएगा, उसी तरह से ये बन जाएगा। जो पहले प्रश्न बता चुके हैं उसी तरह से करना है। अब प्रश्न नंबर चार है, यदि ए डैश इक्वल टू दिस बी डैश इक्वल टू दिस दिया है तो प्रूफ दैट, तो ए प्लस टू बी ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस टू बी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें ए डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू थ्री वन टू, और इम्प्लाइज डेट हो गया ए कितना हो जाएगा, उसको चेंज कर लीजिए, माइनस टू और थ्री नीचे आ जाएगा वहाँ से, और आपका यहाँ से जो वन है वो आगे बढ़ा जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये टू हो गया। अब टू बी करना है बच्चों, तो टू बी करने के लिए तो बी में पूरे में दो से गुणा कर दो, तो दो से गुणा करेंगे माइनस टू वनजा टू, टू वनजा टू, फिर टू जीरो जीरो, टू टू जा फोर जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे ए प्लस टू बी, दोनों को जोड़ दो, तो ये हल करेंगे तो माइनस फोर वन फाइव सिक्स हो गया। और ए प्लस टू बी का डैश निकाल लीजिए, मतलब ट्रांसपोज कर दीजिए इनका, आप ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस फोर फाइव वन सिक्स आ गया। तो हम देख रहे हैं इस तरह से इसका वैल्यू निकल गया। अब प्रश्न पाँच क्या करा है देखते, नज़र डालते हैं। ये दिया है ए तथा बी, आप बीहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ट्रांसपोज आप ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज बी इंटू ट्रांसपोज ए, ये होगा। तो जहाँ दिया है ए इक्वल टू इतना दे दिया वन माइनस फोर थ्री, बी इक्वल टू ये दिया है, और सेकेंड पार्ट ए इतना है बी इतना दिया है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, तो ये भी निकाल लो पहले, तो देख लीजिए पहले इसका प्रोडक्ट होगा कि नहीं, मैट्रिक्स है तो इसमें कितनी आपकी पंक्तियाँ हैं, पंक्ति इसमें अष्टम एक है, इसमें पंक्ति कितनी है वो भी एक ही पंक्ति है, तो मतलब कि हो जाएगा दोनों का। तो अब चलिए गुणा कर लेते हैं, वन का वन में करेंगे पहले, वन उनजा वन, फिर यहाँ फोर का टू में करेंगे, वन का टू में करेंगे, वन टू जा टू, फिर थ्री का वन में करेंगे, आगे उधर हो जाएगा थ्री वनजा थ्री। तो अब इसके बाद आगे नीचे वाला स्टेप के लिए हम ये आपका फोर से करेंगे, फोर वनजा फोर, फिर फोर टू जा यहाँ हो जाएगा, फिर फोर वनजा फोर हो जाएगा यहाँ, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं, अब थ्री के लिए फिर उसी तरह से करेंगे, नीचे लेकर के थ्री वन जा थ्री, और थ्री टू जा हो जाएगा यहाँ पर, थ्री वन जा ये हो जाएगा, और सबको हल कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा माइनस वन टू वन, फोर माइनस एट माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सॉरी सिक्स और थ्री। अब ये बाया पक्ष ले लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज निकाल लो, मतलब अब उसको चेंज कर दीजिए, माइनस वन है उतारिए, वहाँ पर फोर है तो फोर टू है तो टू नीचे आएगा, वन है तो वन उसके नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब दाया पक्ष बी डैश ए डैश निकालो उसी तरह से, तो ये हो जाएगा कितना आपका आपका माइनस वन टू वन का डैश, और फिर वन माइनस फोर थ्री का डैश निकाल लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस वन टू वन, ये हो गया आपका। अब फिर इधर से हो जाएगा आपका, इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना वन माइनस फोर थ्री, चेंज हो गया, आप ट्रांसपोज कर लिए हम, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, तो मल्टीप्लाई इस तरह से कर लेंगे तो ये आपका माइनस वन फोर माइनस थ्री टू माइनस एट सिक्स, वन माइनस फोर थ्री हो जाएगा। अब चलते हैं ए डैश ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, देखो दोनों सेम आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिक्स हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए बराबर कास अल्फा साइन अल्फा, साइन माइनस साइन अल्फा कास अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए ए ए डैश इक्वल टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मतलब इकाई, तत्समक का अभी लेना है हमको जो वन 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 से बना होता है विकर्ण। तो अब इसमें सेकेंड भी दिया है साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, तो सत्यापित कीजिए ए डैश ए इक्वल टू आई होगा। चलिए निकाल लेते हैं, तो ए इक्वल टू कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा है, तो इसका ए डैश निकाल लो, तो चेंज हो जाएगा, अब कास अल्फा उतारेंगे फिर साइन अल्फा है तो यहाँ साइन अल्फा आ गया, फिर माइनस साइन अल्फा उधर आपका पंक्ति में जाएगा माइनस साइन अल्फा, कास अल्फा उधर ही उतर जाएगा। अब ए डैश ए निकाल लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट कर लो, कास अल्फा का कास अल्फा में गुणा करिए, फिर साइन अल्फा का नीचे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा में गुणा होगा, फिर उसी तरह से अब साइन अल्फा नीचे है तो उसका कास अल्फा में, इस तरह से सभी हम प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये आपका हो गया कास अल्फा, फिर यहाँ से हो जाएगा कितना साइन अल्फा हो गया, और दूसरा आगे के लिए आगे वाले में करेंगे कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा हो गया। अब इसके बाद बच्चों क्या है, ये निकालने के बाद हमारा देखिए कास अल्फा हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा, और वो आपका देखिए प्लस माइनस एक दूसरे से कट के जीरो हो जाएंगे, फिर नीचे भी देखिए प्लस माइनस कट के जीरो हो जाएंगे, इधर साइन स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा इनका मान एक हो जाएगा सब, तो वन जीरो
और चिरोमन या पाओके, यही हमारी आइडेंटिटी हो गई, एआई हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट भी उसी तरह से है, देखिए वो भी हल कर लेते हैं। तो वो भी देखिए इस तरह साइन अल्फा का सब था, उसी तरह से चेंज करके इसको हम कर लेंगे इसको फिर। तो चलते हैं आगे, हम देखते हैं अब इसका किस तरह करना है बच्चों। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब प्लस देखिए यहाँ पर दिया है माइनस कास अल्फा, माइनस कास अल्फा, देखिए यहाँ साइन है, साइन में गुणा होगा कास का, कास में फिर गुणा हो जाएगा इधर से। तो अब देखिए माइनस कास में हो जाएगा, फिर अगले एलिमेंट के लिए अगली संख्या में पद में करेंगे, फिर साइन का इधर कास में करेंगे साइन कास, अब फिर कास का अगले साइन में करेंगे तो माइनस कास साइन अल्फा हो जाएगा। और नीचे के लिए अब नीचे वाला एलिमेंट लेके कर लेंगे उसी तरह से, तो ये हमारा मिल जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, फिर साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा कट जाएगा, इधर ये भी कट जाएगा, इधर दोनों का मान एक एक आ जाएगा, ये भी यूनिटी आ गया। अब प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए ए बराबर दिया है ए 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, ए का सममित अवयव है, मतलब सममित मतलब इक्वल अवयव है। तो ए इक्वल टू दिया है 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, विषम सममित अवयव है। तो अब दिया ए बराबर दिया इतना, इंप्लाई दैट ए डैश निकालो, इसका ट्रांसपोज कर दो पहले आप। तो ट्रांसपोज करेंगे तो 1 लिखेंगे, अब वहाँ माइनस 1 है तो ये नीचे आ जाएगा माइनस 1, 5 है वो भी इधर आपका स्तंभ में आ जाएगा, उस तरह से 2 वहाँ पर उतरे लिखेंगे, फिर ये 1 जो है 1 1 आपस में चेंज होगा फिर उतार लेंगे। तो इसलिए आप भी हो ए सममित है, देख रहे हैं ये क्या है, सममित हो गया, मिलता जुलता है जो पहले था वही अब भी, देखिए ट्रांसपोज करने पर भी सेम आ रहा है ना, तो जब सेम आएगा ट्रांसपोज करने पर तो वही क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। अब ए इक्वल टू हो गया ए, और ये डैश आपका ये हो गया। अब यहाँ से देखते हैं माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लेते हैं, तो जितने भी प्लस है माइनस में हो जाएगा, माइनस जो है प्लस में हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0 1 माइनस 1, और इसके बाद फिर हो जाएगा माइनस 1 0 माइनस 1, फिर ये आपका 1 माइनस 1, ये हो गया आपका माइनस कॉमन लेने पर। अब भी ये विषम सममित है, तो देख रहे हैं कि पहले कुछ और था और ये वाला जो आ रहा है माइनस में आ रहा है दूसरा आ रहा है, तो ये क्या है, विषम सममित हो गया। तो अब देखते हैं 8वां प्रश्न है, आप यू ए इक्वल टू 1561 के लिए सत्यापित करना है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, मतलब कि सेम आएगा ए प्लस ए डैश करके, ये ले आना है हमको। तो ए इक्वल टू 1567 दिया है, ए डैश निकाल लेते हैं, तो ये 1566 उधर जाएगा और 7 वहीं पर आ जाएगा। अब ए प्लस ए डैश जोड़ के निकालेंगे तो 2 11 11 14 आ गया। अब ए प्लस ए डैश निकाल लेंगे तो ये भी आ जाएगा 2 11 11 14 हो गया। देख रहे हैं कि दोनों सेम आ रहा है, तो ये आपका सममित हो गया। तो इसलिए ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश का होल्डर्स जो है सेम आया, सममित हो गया। तो ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। अब निकाल लेते हैं सेकेंड का, ए माइनस ए डैश निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा, फिर उसी तरह ए माइनस ए डैश का डैश निकालेंगे तो ये भी देखिए 0 माइनस 1 1 0 आ गया, और उसमें क्या था 0 माइनस 1 सेम ये भी आ गया, तो ये आपका क्या है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव हो गया, क्योंकि इसमें देखिए माइनस चिन्ह लग कॉमन लेना पड़ रहा है ना, तभी उतना आ रहा है, और उसमें वैसे आ गया तो सममित है, ये विषम सममित हो गया। और 9th क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए बराबर 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करना है इसमें भी। तो चूंकि ए इक्वल टू दिया 0 ए बी ये दिया है, अब ए डैश निकालो उसी तरह ट्रांसपोज करके पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, तो ये मिल जाएगा हमारा 0 माइनस ए माइनस बी, और ए 0 सी और बी सी 0। अब ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं इस तरह से, तो ये सभी जो है एलिमेंट कट जाएंगे, तो ये हमारा बचेगा 0 0 0 सभी 0 आ गया, तो 1/2 ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं, तो ये भी हमारा जो है कितना आएगा, वो 0 ही होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0 ही हो जाएगा सर। तो इसलिए ए माइनस ए डैश ये आपका निकाल लेते हैं माइनस करके, तो ये निकल के आ गया, फिर 1/2 ए माइनस ए डैश करेंगे तो 2 से सभी भाग दे देंगे, तो सभी जो है जहाँ जहाँ 2 है सब कट जाएंगे, तो 0 ए बी ए आ गया आपका, तो सेम हो गया। तो निम्नलिखित अवयव में एक सममित अवयव रखा एक विषम अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है दोनों को, तो चलिए योगफल निकाल लेते हैं इसका। तो मान ले रहा है कि ए बराबर है 3 5 1 -1, तो ये डैश क्या हो जाएगा, तो ये चेंज कर लेते हैं 3 1 5 -1 हो जाएगा। अब ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं दोनों का, तो ये आपका 6 6 -2 ही हो गया। अब पी बराबर निकाल लेते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश,
तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी में, दो से मतलब सभी में भाग, 2 3 6 2 3 6 2 3 6, फिर दो में दो से भाग हुआ, 2 के 2 - 1 हो गया, तो ए माइनस ए डैश निकाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा इतना। फिर क्यू इक्वल टू हो गया 1/2 ए माइनस ए डैश निकाल लेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 0 2 - 2 0 हो गया। अब पी डैश कितना हो गया 3 3 - 1 इक्वल टू 3 3 3 - 1 ये हो गया बराबर पी। तो पी क्या हो गया आपका सममित हो गया, सेम एलिमेंट मिल रहे हैं तो सममित हो गया। अब क्यू डैश क्या हो गया 0 2 था, -2 0 था, तो ये हो गया 0 - 2 2 - 0। तो ये भी यहाँ पर देखिए माइनस आ रहा है, इसमें चेंज हो रहा तो माइनस कॉमन लेना पड़ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया क्यूब विषम सममित हो गया। तो पी प्लस क्यू निकाल लेते हैं तो ये देखिए फिर जब प्लस करेंगे तो यही पहले आ जाएगा 3 5 1 - 1 जो पहले था, तो यही ए हो गया। तो इसलिए ए बराबर पी प्लस क्यू, जहाँ पी सममित था क्यू विषम सममित व्यू है, तो उनका मान वही हो जाएगा। फिर अब सेकेंड पार्ट भी उसी तरह से है, इसको भी आप देख लीजिए हल कर लीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जैसे फर्स्ट बढ़ाए थे उसी तरह से ये भी करना है। तो ये आपका पी सममित हो जाएगा इस तरह से, ऐसा क्यू भी सममित निकाल देना, विषम सममित, और यहाँ पर जोड़ के जो पहले था उसके ला दीजिए, हो जाएगा आंसर। अब प्रश्न संख्या 11 12 में सही उत्तर आपको चुनना है बच्चों। तो प्रश्न संख्या 11, यदि ए तथा बी समान कोण के सममित व्यू हैं तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा, विषम सममित व्यू होगा, सममित व्यू होगा, शून्य व्यू होगा, तत्समक व्यू होगा। तो चलिए हल कर लेते हैं इसको। तो चूंकि ए और बी समान कोण के सममित व्यू है तो ए डैश बराबर ए ही होगा, बी डैश बराबर बी ही होगा, तो ए बी माइनस बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये हो जाएगा आपका डैश जो है आपका ट्रांसपोज दोनों पर अलग अलग होगा। तो फिर उसके बाद बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश होगा। अब देखिए बच्चों क्या करना है, यहाँ से बी ए बराबर बी ए माइनस ए बी आपका हो गया, डैश हटाएंगे तो हो जाएगा बी डैश इक्वल टू बी होता है, ए डैश इक्वल टू ए हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से, माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर हो जाएगा चेंज हो जाएगा सभी। अब ए बी इधर आएगा, बी ए उधर चला जाएगा, ए बी माइनस बी ए हो गया, तो ए बी माइनस बी ए विषम सममित बी हो, क्योंकि माइनस चेंज कॉमन लेना पड़ रहा है तब हो रहा बराबर, तो ये आपका विषम सममित हो गया बच्चों। 12वां है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए ए डैश इक्वल टू वाई है, यूनिटरी है, तो ए का मान ज्ञात करना है इसमें। तो उसी तरह से कर लेते हैं, ए डैश दिया, ए डैश हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, चेंज कर लीजिए आप, फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 2 cos α 0, फिर 2 cos α आ जाएगा। अब ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए तो ये कितना हो गया 2 cos α 0 0 2 cos α। अब देखिए बच्चों करना क्या है इसमें, तो अब यहाँ 2 cos α है, यहाँ पर फिर आ गया आपका 1 0 0 1 आ गया आपका, तो ये 1 0 0 1 यही तो हमारा क्या होता है यूनिट है, आई है, तो यही आई के बराबर हमारा हो गया इस तरह से। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 2 cos α = 1 होता है, यहाँ दिया देखिए 2 cos α = 1 होता है, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो गया 1/2, अब यहाँ से हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा, यही मतलब फिर अल्फा बराबर पाई बाई 3 हो गया। अब प्रश्नावली जो है 3/4 मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। तो बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो ऐसी वीडियो देखने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए अभी मेरे चैनल को करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आज की जो वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिल सके और हमारी वीडियो फ्री में आप देख सके बच्चों। तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर मिलते हैं, कुछ नया लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।